वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वैलिडेशन के बारे में। तो जो फॉर्म वैलिडेशन होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं वाई के अंदर, वो हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो वैलिडेशन के जो रूल होते हैं वो हमेशा मॉडल के अंदर ही सेट होते हैं। अगर आप जाओगे अपने जो क्रेड बनाया होगा आपने, उसमें जैसे ही आप मॉडल को ओपन करोगे, ये आपने जैसे इस मॉडल को ओपन करा एम्प्लॉय क्रेड, तो इसके अंदर एम्प्लॉय तो इसके अंदर क्या होता है, एक रूल्स नाम का ही फंक्शन होता है। उसमें हमें हर एक फील्ड के अगेंस्ट में रूल लिखने पड़ते हैं। जैसे कि अभी ये सिंपल फॉर्म है, अगर मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखो आपके कुछ फील्ड आ रहे हैं, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक, फ़ोन नंबर कैन नॉट बी ब्लैंक। इसका मतलब ये हो गया कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है आपके। तो जो ये फील्ड हैं वो आपके यहाँ पर सेट करते हैं, यहाँ पर फील्ड डाल दो, उसको रिक्वायर्ड रखना है उसको रिक्वायर कर दो, और नहीं रखना उसको तो उसको रिक्वायर मत रखो उसको। तो इस तरीके से ये रूल सेट करते हैं। अतः रूल सेट करने से पहले मैं आपको एक बार ये बताता हूँ, क्लाइंट साइड पे आप वैलिडेशन लगाना है तो आपको उसके लिए, जैसे ये फॉर्म है आपका क्रिएट, यू आर एल है एम्प्लॉय के अंदर क्रिएट, तो एम्प्लॉय के अंदर क्रिएट एक फंक्शन होगा। इसमें आपका जो फॉर्म कॉल हो रहा है व्यू, वो हो रहा है क्रिएट, तो हम जाते हैं क्रिएट के अंदर, व्यू के अंदर, ये व्यू है आपका एम्प्लॉय, इसके अंदर क्रिएट, इसके अंदर यूज हो रहा है फॉर्म, तो ये बंद कर देते हैं, फॉर्म पर आ जाते हैं। ये तो फॉर्म के अंदर आपको यूज़ करना है, तो इसके लिए आप जो ये फील्ड है आपका फॉर्म इनपुट फील्ड, इसमें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं रख देता हूँ यहाँ पर, इसको करना है रीड ओनली, तो रीड ओनली को मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। मैं ये मैंने रीड ओनली ट्रू कर दिया इसको। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, तो देखो रीड ओनली हो गया। इसके अंदर कोई वैल्यू आपको डालनी है तो एक और की पास कर दो यहाँ पे, वैल्यू वैल्यू डाल देता हूँ मैं डेमो, तो आपका ये देखो वैल्यू डल गई। तो आपको जो क्लाइंट साइड पे कुछ भी चेंजेस करने हैं वो इस फॉर्म के अंदर कर सकते हो आप। ये देखो रीड ओनली हो गया, मैक्सिमम लेंथ सेट करनी है, मिनिमम लेंथ सेट करनी है, तो वो सारे आप यहाँ ऐसे पैरामीटर आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, की वैल्यू ठीक है मिनिमम 10 होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ आप सेट कर सकते हो यहाँ पे। अभी रीड ओनली हमें नहीं रखनी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ कॉपी, तो ये मैं यहाँ पे नीचे कमेंट करके लाइन रख देता हूँ, ये रख दिया मैंने, तो ये मैंने कमेंट कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्लाइंट साइड पे कर सकते हो। अब आते हैं हम उसके तो, जैसे कि अभी आपने देखा ये नेम का फील्ड हमें चाहिए, जो वैलिडेशन लगी हुई है वो एक, ये डेमो अभी रिफ्रेश नहीं हुआ क्या? जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो वैलिडेशन लगी हुई है नेम ईमेल फ़ोन नंबर में। अगर केवल आपको नेम और ईमेल, मतलब ईमेल और फ़ोन नंबर में लगानी है, तो आप यहाँ से इस फील्ड को हटा सकते हो नेम को, कि मैंने यहाँ से नेम रिमूव कर दिया। आप जैसे इसको फिर रिफ्रेश करोगे, जैसे इसको सेव करने जाओगे, तो आपका नेम से वैलिडेशन हट गया होगा। अच्छा, अब आते हैं बात आपकी जो वैलिडेशन का जो नेम आ रहा है, ये ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक, ये मैसेज चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हम इसको जैसे ईमेल का करना है या नेम का करना है, सपोज़ करो मैं नेम का करने वाला हूँ, यहाँ पे इसको हटाया मैंने, और यहाँ पर नेम इसको करा मैंने रिक्वायर, और यहाँ पर मैंने डाल दिया मैसेज मैसेज, और मैसेज में कुछ भी यूज़र नेम मस्ट बी फिल्ड। अब मैं इसको चेक करता हूँ, ये मैंने सेव करा, वैलिडेशन आया, अभी देखो यूज़र नेम मस्ट बी फिल्ड, तो ये एरर आपका ये चेंज हो गया है। ऐसे ही आप किसी का भी वो चेंज करना चाहते हो नेम, सबका वो चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैं ईमेल आईडी करना चाहता हूँ, ईमेल आईडी यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये चेक्स। अगर सबका रिक्वायर्ड सेम रखना है तो आप यहाँ पे एज एरे पास करो और सारे फील्ड डिफाइन कर दो, तो वो वैलिडेशन आप उस तरीके से लगा सकते हो। अगर सिंगल सिंगल लगाना है कि इसके लिए मैसेज चेंज करना है, इसके लिए ईमेल आईडी मस्ट बी फिल्ड, ऐसे कुछ करना है, तो आप ऐसे भी इसको सेट कर सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे सेट कर लो इसको। सेव करा मैंने,
और ये यहाँ पर नेम आ गया, ईमेल आईडी आ गई, मतलब ये जो एरर है नेम का एरर आ गया और ईमेल आईडी का। अब इसके बाद हम आते हैं इसमें फ़ोन नंबर का वेरिएशन लगाते हैं हम, जैसे कि ये लगा हुआ है। तो फ़ोन नंबर में अगर आपको फ़ोन नंबर चाहिए वो मिनिमम वैल्यू उसकी 6 हो, मैक्सिमम 12 हो, तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर फ़ोन नंबर डाला 121, जैसे ही मैं हटाऊँगा ये एरर आ गया कि एट लीस्ट 6 करेक्टर। अब यहाँ पर मैंने करेक्टर डाल दिए, ये आपका एरर चला गया। अगर यहाँ पर मैं और डालूँगा मैं, तो अभी क्या है, ये मैक्सिमम 12 की आपकी क्लाइंट साइड पे लगी हुई है। जैसे आप क्लाइंट साइड पे जाओगे यहाँ पे, एक सेकेंड का हो गया, फ़ोन नंबर ये रहा, मैक्सिमम ट्रू आपका ये लगा हुआ। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मैं ये सेव करा मैंने, इसको रिफ्रेश करा, तो अब जो ये मैक्सिमम है वो यहाँ पे क्लाइंट साइड वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये सर्वर साइड का एरर ज़रूर आएगा। ये तो आपको क्लाइंट साइड पे हैंडल करना है, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम ट्रू कर दो और मिनिमम भी ट्रू कर दो। मिनिमम से नीचे वो वैसे हटना ही नहीं देगा, एरर दे देगा। ये हो गया फ़ोन नंबर। अब आते हैं, अच्छा इसके अंदर हमारा पासवर्ड का फील्ड नहीं है। सपोज़ करो आपके पास पासवर्ड है और कन्फर्म पासवर्ड है, दोनों को मैच करना है कि दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है, तो उस चीज़ को कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो मान के चलते हैं हमें एड्रेस और ईमेल ये दोनों हमें सेम रखने हैं, अगर सेम नहीं हो तो आपका एरर आ जाए एड्रेस पे। तो इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर नहीं मॉडल के अंदर। आपको हमें एड्रेस कंपेयर करना है, एड्रेस, उसके बाद सेकंड पैरामीटर होता है आपको कंपेयर, उसके बाद उसको कंपेयर किससे करना है, कंपेयर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट किससे करना है, उसे करना है ईमेल से। और अगर क्या बोलते हैं उसे, अगर कंपेयर ना हो तो मैसेज आ जाए आपका नॉट मैच, मतलब ऐसे ही डाल दिया मैसेज कुछ भी। अब ये देखते हैं ये अब हमारा काम करेगा या नहीं करेगा। ये मैं क्रिएट पे गया, जैसे मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी टेस्ट, और मैं यहाँ एड्रेस पर आया, एड्रेस पर मैंने ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी डाल दिया। जैसे मैंने बाहर गया तो ये देखो नॉट मैच का एरर आ गया, इसका मतलब आपका ये कंपेयर हो गया। ऐसे ही आप पासवर्ड को भी, पासवर्ड का फील्ड और कंफर्म पासवर्ड का जो फील्ड होता है उसको भी ऐसे ही मैच करा सकते हो। किसको मैच कराना है उस फील्ड का नेम, कंपेयर करना है किससे करना है, कंपेयर एट्रीब्यूट और उस एट्रीब्यूट का नेम, मतलब फील्ड का नेम ईमेल से करना है या फ़ोन नंबर से करना है, और अगर कंपेयर ना हो तो आपका मैसेज आ जाए। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। अब इसमें एक और चीज़, मान लो मैं कंडीशन लगाता हूँ रेफर आईडी के लिए, कि जो मेरी रेफर आईडी है वो मेरी ग्रेटर देन 30 हो, तो ये कैसे कर सकते हो आप, उसके लिए भी आप कंपेयर कर सकते हो, इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। उसके लिए हमें कंपेयर करना है रेफ अंडरस्कोर आईडी, इसको कंपेयर करना है। अब इस बार हमारे पास वैल्यू है, तो हम कंपेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कंपेयर वैल्यू हम रख देते हैं 30। उसके बाद हम यूज़ करते हैं इसमें ऑपरेटर, ऑपरेटर कौन सा यूज़ करना हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको टाइप भी डिफाइन कर देते हैं हम, इसका टाइप क्या है, टाइप रख देते हैं अभी के लिए हम नंबर। और इसको हम चेक करते हैं ये क्या एरर आ गया इसके अंदर। अच्छा ठीक है, अब इसको मैं चेक करता हूँ, मैं जैसे ही रेफर आईडी डालता हूँ 12, तो आपका एरर आ गया, देखो रेफर आईडी मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 30। अगर मैं अब यहाँ पे सही डाल देता हूँ 33, तो आपका यह मैसेज हट गया। तो इस तरीके से आप वैलिडेशन अपने लगा सकते हो, कस्टम वैलिडेशन बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कोई, एक सेकेंड एक दिखाता हूँ मैं एक चीज़ इसकी, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे जैसे, तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखो बहुत सारे वैलिडेशन यूज़ करी हुई इन्होंने। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ये सब बताने में। जैसे अगर आप चाहते हो कि कोई स्टेट है, आप मतलब कंट्री है, उसमें कंडीशन लगाना चाहते हो कि अगर US वैल्यू आए तो आपकी कुछ कंडीशन लगे, एरर आए, तो वो कंडीशन भी आप सेट कर सकते हो। और डेटा फिल्टर के लिए आप ट्रिम और डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं, अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हो आप, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सर्च के लिए लगा रखा है,
और ये देखो इन्होंने एक क्लास बना, ये यहाँ पे ये क्या कर रखा है इन्होंने, वैलिडेशन कंट्री एक क्लास बना दी है और उसको इन्होंने बना के उसको मतलब क्लास नहीं सॉरी फंक्शन बनाया हुआ है और उसको कॉल करवा रखा है, उसमें एट्रीब्यूट और पैरामीटर पास कर रखे हैं और साथ में ये डॉलर दिस एड ये क्या काम करता है, एरर को अपेंड करने का काम आता है, यहाँ पे इसने एरर अपेंड करवा दिया है। तो ये इसमें बहुत सारे तरीके हैं जो आपको सुटेबल लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो, या अगर अपना एक ये देखो कंपोनेंट बना के काम करना है तो वो बना के काम कर सकते हो, टूल डिफाइन कर दो, यहाँ पे अपना कंट्री वैलिडेशन इन्होंने कंपोनेंट के अंदर बनाया हो जरूर, ये रहा इसमें ये उन्होंने वैलिडेशन लगा रखी, अपनी सेपरेट एक फाइल बनाई हुई है और उसको यूज़ करवाया, उसको यूज़ करवाने के लिए सिंपल क्लास का नेम जो उसका फाइल का जो नेम होगा ये देखो, उसके बाद कॉलन कॉलन क्लास नेम। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वैलिडेशन हैं यूज़ कर सकते हो इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख के, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करो, और वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।